नेम इज प्रिया और आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। तो जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट जो वीडियो डाला था वो दैट वाज अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमने की बिहेवियर्स, हेल्पफुल बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यूनिट वन का जो पॉइंट नंबर वन है वो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड है, जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट वेदर टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज द सेम। क्या लगता है आपको, टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों चीजें सेम है? सो आंसर इज नो। तो क्या डिफरेंस है फिर टीचिंग और ट्रेनिंग में? तो टीचिंग में मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मेन फोकस क्या होता है, टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट का ओवरऑल बिहेवियर हमको मॉडिफाई करना है टीचिंग के थ्रू। हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्टडीज, ग्रोथ, नॉलेज, ये सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं टीचिंग के थ्रू और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज इन ट्रेनिंग हम स्किल बेस्ड चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल चीज होती है, मतलब आपको कुछ चीज सिखाई गई है वो और अभी आपको उसको परफॉर्म करके दिखाना है। सो दैट इज द ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ट्रेनिंग, जिसमें आपको फिजिकल जो आपकी फिजिकल एबिलिटी होती है उस पर फोकस किया जाता है, उसके लिए आपको रनिंग, जंपिंग, ऐसी सारी चीजें सिखाई जाती है, दैट इज स्किल बेस्ड। और ये हम सब प्रैक्टिकली करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज द सेम, तो आंसर इज नो, क्योंकि मैंने अभी आपको दोनों का डिफरेंस समझा दिया है। सो नेक्स्ट इज डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो मैं जैसे आपको आगे भी पढ़ाऊंगी व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव इज अ नैरो कंसेप्ट, वेयर एज इंडक्टिव इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। तो क्या फर्क है दोनों में? तो जो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट एक्सप्लेन की जाती है और उसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हम कंसेप्ट से एग्जाम्पल पे आते हैं। सो नैरो कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट एक बड़ी चीज है और एग्जाम्पल एक स्मॉल चीज। तो हम कंसेप्ट से एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव मेथड इज अ नैरो कंसेप्ट और ये फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल पे आना है, आपको एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है। तो कंपैरेटिवली इट इज फास्टर प्रोसेस। वेयर एज इन इंडक्टिव रीजनिंग हमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है, उससे हमें कंसेप्ट डेवलप करना होता है। सो आपको समझ आ रहा होगा कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्लो प्रोसेस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, कौन सी स्लो है, कौन सी फास्ट है, कौन से इसमें कंसेप्ट टू एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल टू कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट लर्निंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम में देखो डायरेक्ट लर्निंग या डायरेक्ट टीचिंग का, तो पढ़ने में आप हड़बड़ी मत करना, क्योंकि डायरेक्ट लर्निंग और डायरेक्ट टीचिंग थोड़ा सा सेम नजर आता है हमको एग्जाम के प्रेशर में। तो बहुत बच्चे जिस क्वेश्चन का आंसर हमें आ भी रहा होता है उसको गलत करके आ जाता है हड़बड़ी की वजह से। ठीक है, दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, आपको पढ़ना है पहले कि लर्निंग है या टीचिंग है। ठीक है, तो डायरेक्ट लर्निंग का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। हमें स्कूल से मैम इंस्ट्रक्ट करती है कि कोई प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो मैम ने सिर्फ बताया होता है ये टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट करके लाना है। जो प्रोजेक्ट में जो भी कंसेप्ट हम यूज करते हैं, जो भी उसको बनाते हैं अपने तरीके से बनाते हैं, राइट, तो उसमें टीचर का इन्वॉल्व नहीं होता है बनाने की मेथड में, वो हम खुद से बनाते हैं और फिर दूसरे दिन जाके टीचर को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें टीचर कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट लर्निंग कहा जाता है। वही अगर आपके और प्रोजेक्ट के बीच में अगर टीचर आ जाता है, आपको टीचर टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो फिर वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अगर टीचर कहीं भी बीच में आते हैं तो वो इनडायरेक्ट लर्निंग ऑफ लर्निंग है, राइट। उसके बाद डायरेक्ट टीचिंग क्या होता है? तो डायरेक्ट टीचिंग का एग्जाम्पल है लेक्चर मेथड। जो क्लासरूम में टीचर्स लेक्चर देते हैं आपको,
वो डायरेक्ट टीचिंग है, उसमें कोई भी इंटरप्शंस नहीं होता, डिस्टरबेंसेस नहीं होते, टीचर आपको डायरेक्ट के पढ़ा रहे होते हैं, सो दैट इज द डायरेक्ट टीचिंग मेथड। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में सपोज 10 बच्चों का ग्रुप है, राइट, तो उसमें सब 10 बच्चे अपनी आइडियाज शेयर करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो उसमें अगर आप सामने वाले से कोई चीज सीखने लायक है तो वो आप उससे सीखेंगे, प्लस आपकी अगर कुछ बताई हुई चीज अगर सामने वाले को यूजफुल लगती है तो वो आपकी चीज एक्सेप्ट करेगा। सो इसमें गिव एंड टेक प्रोसीजर होता है, तो आप सामने वाले से कुछ सीखते हैं, इसीलिए इट इज नॉट अ डायरेक्ट लर्निंग मेथड, राइट, इट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि आप सामने वाले से सीख रहे हैं। डायरेक्ट लर्निंग मेथड को और हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज सेल्फ लर्निंग, और ग्रुप डिस्कशन में सेल्फ लर्निंग नहीं होता है, हम सामने वाले से कुछ चीज सीख रहे होते हैं, सामने वाले की कॉन्सेप्ट्स हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, आपको समझ आ गया। उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड, हम इसे और डीप में पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि किसे ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है और कौन सा लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन टीचिंग मेथड जो है उसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम गुरुकुल से देखते आ रहे हैं, जैसे फिजिकली बच्चे क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं, सो ये हम गुरुकुल टाइम से ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन ट्रेडिशनल मेथड। तो ऑफलाइन टीचिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज एन ट्रेडिशनल मेथड। इसमें बच्चों का और टीचर का इंटरेक्शन कम होता है, क्योंकि ये वन वे प्रोसीजर है, जिसमें टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं, राइट, तो इसमें इंटरेक्शन कम होता है कंपैरेटिव टू ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑनलाइन टीचिंग मेथड में बच्चों का एक्टिव रोल होता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे लर्नर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग मेथड को लर्नर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों का एक्टिव रोल होता है। ठीक है, ऑफलाइन टीचिंग मेथड में नहीं होता है। ऑफलाइन टीचिंग मेथड में टीचर का एक्टिव रोल होता है, बच्चों का पैसिव रोल होता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड हम किसे कहते हैं, जब हम कुछ डिस्कवर करते हैं खुदों के, टू डिस्कवर समथिंग इज अ ह्यूरिस्टिक मेथड, और ये कंसेप्ट किसने दी है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपको आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद रखना है ह्यूरिस्टिक मेथड के रिलेशन में, राइट। उसके बाद फ्लिप क्लासरूम्स क्या होती है, आपने सुना होगा फ्लिप मतलब उल्टा, हम ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो है उल्टा। तो उल्टा मतलब कैसे, किस सेंस में उल्टा, तो जैसे आपको पता है हम जनरली जो अपना ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है उसमें हम क्लासरूम में चीजें पढ़ते हैं और घर जाके होमवर्क करते हैं, राइट, हम जो चीजें घर क्लासरूम में पढ़ते हैं उसका होमवर्क हमें टीचर देती है जो हमें घर जाके करना होता है। बट इन फ्लिप क्लासरूम मेथड आप घर से एक रिकॉर्डेड वीडियो देख के आते हैं जो आपको टीचर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ठीक है, वो आप वीडियो देख के आते हैं और क्लास में बैठ के जब टीचर आपको उस पर क्वेश्चनिंग करती है या कुछ सॉल्व करने देती है तो आप क्लास में होमवर्क करते हैं, तो इसीलिए इसको उल्टा कहा जाता है, फ्लिप्ड क्लासरूम्स, राइट, क्योंकि आप वीडियो घर पे देखते हैं, पढ़ते घर पे, और होमवर्क क्लासरूम में आके करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज अ टीचर सेंट्रिक मेथड। इस पे क्वेश्चन आया था कि टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड में आप किसे देंगे, तो उसमें चार एग्जांपल्स, चार ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें से उसका आंसर था फ्लिप क्लासरूम। मैं वो क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, तो फ्लिप क्लासरूम का अगर आपको कभी भी पूछा जाता है तो ये टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, जैसे आपको अगर हम इंस्ट्रक्शन वर्ड जैसे सुनते हैं तो हमें लगता है ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि इसमें टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मतलब जिसमें टीचर बच्चों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, नॉट अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ऑटोक्रेटिक टीचिंग, किसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग, जहां पे टीचर टेक्स ऑल डिसीजन, मतलब ये सब मेरा है, मैं अथॉरिटी हूँ और मैं ही सारे डिसीजंस लूंगा। ठीक है, ये चीज को हम ऑटोसेंट्रिक
टीचिंग कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे सारे डिसीजन जैसे टीचर्स के हाथ में होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। सो आज का वीडियो यही तक। अगले वीडियो में हम टीचिंग कॉन्सेप्ट्स के मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया लीगल। थैंक यू।